राम राम जी। सुबह के बजे हैं 4 और मैं खाट पर आज मैंने 3:30 बजे छोड़ दी थी, मैं सुबह के 4 बज गए। अब मैं धो रही हूँ फ्रेश, क्योंकि मैं कल जो अंधी आई थी बहुत गर्दे वाली थी, पूरा रहता ही रहता था, सारे कमरों में धो के लाई हूँ। देखो फिर उसके बाद लगाऊंगी पोछा। तो सारा कुछ झाड़ दिया और पानी से धो रही हूँ, सारा बाहर का फ्रंट सारा धोया, दीवार भी और फ्रेश भी, कि सारा बहुत गंदा हो रहा है। और अब धो रही हूँ जिम में और सारे पेड़ पौधे, बहुत ज़्यादा गर्दा जमा पड़ा है इनका, देखो कितना गंदा कर रखा था कल, इतना गर्दा और इतनी हवा मिट्टी बहुत गंदा हो रहा, देखो कितना गंदा हो रहा। तो सारे को आज धोकर साफ करूँगी, सवेरे से ही लग रही मैं धोने में ही। और मेरा बेटा भी सो रहा अभी, आज ही रेस पर भी नहीं गया, तो मैंने तो पहले सवेरे ही उठ कर थोड़ा सा योग किया, उसके बाद देखो धूप भी बुला दिया। और बस पहला भी तो सारा फर्क दूंगी, सारी साफ सफाई करूंगी, उसके बाद नहाना और पूजा होगी। और कुछ हट जाओ, पानी गिर जाएगा सर पर। देखो राम जी कैसे हैं आप, तो आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो सुबह के 3 बजे की उठ रही और हाथ में बाल्टी झाड़ू और ये मग्घा आ गया। पूछोगे नहीं क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि मेरे तो काम देने वाले बहुत हैं। कल वो आंधी तूफान आया, इतना काम देखेगा, सुबह तो बाहर की छजली से लेकर बाहर तक धो ही रही, ये सारा धो दिया है। देखो सारी छजली धो पाई, सारी दीवार फ्रंट सारा धोया। अच्छा, अरे सारा इतना गर्दा, सारा ऊपर का जिन्ना यानी सारा घर ही धो रही, पूरा गर्दा। देखो यार रेता दिखाओ, देखो कितना रेता, बहुत ज्यादा, बहुत सारा, बहुत गंदा कर रखा था। अब जब सारे धोए फिर खोदे और सारे को धोकर उसके बाद नहाऊंगी, नहाकर पूजा करके जब वो बनाऊंगी नाश्ता। अच्छा हाँ तो बना देता नाश्ता। देखो कितना दोस्तों, 7:30 बज गए हैं और अब जब की है पूजा की, आज मैं 3 बजे से लगी हुई साफ सफाई करने से, 12 फ्रंट से लेकर और अंदर तक का सारा फर्श, दीवार, जिन्ना और कमरे सारे धोकर और धोकर सारे नहाई। और फिर मम्मी अर का तो नाश्ता लगाया था, मम्मी अर तो चली आई खेत में, तो 7:30 बज गए। अब लगाया मैंने दीवा मंदिर साफ करके, ठाकुर जी को नुहा कर बिठा दिए हैं इनके सिंहासन में, सिंहासन पर, और इनका नाश्ता भी लगा दिया है। तो अब कर रहे हैं हम नाश्ता दोनों माँ बेटे, तो अंशु और मैं अब नाश्ता कर रहे हैं, उसके बाद मैं देखूंगी बाकी का काम। और नाश्ते में आज हम ले रहे हैं देखो भुजिया नमकीन और चाय की पूरी केतली, ये देखो। तो टाइम ज़्यादा हो गया है, 7:30 बज गया है, तो चाय भी हम ज़्यादा ही पियेंगे। कि भाई अंशु, अंशु ने तो पहला फूड भी कट कर खा लिया, तो उसकी बुआ जी भी लेगी नीचे फूड फाट कर, चाय भी लेकर चली गई। और अब जब बस मैं भी चाय पीगा फिर अपने बाकी का काम करूँगी, काम मेरा बहुत बड़ा किचन का, बस आज किचन का ही बड़ा बार तो मैंने सारा निपटा दिया, साफ सफाई बहुत अच्छे से हो गई है, बस किचन का रह रहा। किचन में घी निकाल के बर्तन साफ करके उसके बाद बनाऊँगी मैं खाना। तो चलो आप भी हमारे साथ नाश्ता कर लो। राम राम जी। सुबह के बजे हैं 8, तो मैं कर रही हूँ लौकी कसकर रख दिया साइड में, आज मैं बनाऊंगी कोफ्ते लौकी के। तो चावल तो आज मैं बनाऊंगी, बाबा जी है आज एकादशी का व्रत, और कोफ्ते बनाऊंगी, तो कोफ्ते रोटी बनाऊंगी। और मैं देख रही हूँ राशि, राशि फल, तो इसलिए बस यही बैठ कर सब्जी का इंतजाम कर लूंगी। तो कद्दूकस कर लिया है लौकी, ये कर दिए हैं टमाटर, और अब जब प्याज हरी मिर्च सब यहीं चीज नहीं बैठते, 1-5 दोनों काम हो जाएंगे, मैं अपनी राशि भी देख लूँगी और सब्जी का। तो दोस्तों ये है लक्की का गिफ्ट जो लक्की की फ्रेंड ने दिया है, लक्की की फ्रेंड है कॉलेज की। और ये देखो कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट दे रखे हैं, 3-4। तो ये कंच का गिलास है, आप इस वक्त पानी डालते ही ये रंग बिरंगा बनता है, ये देखिए ऐसा, बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट दे रखे हैं मेरी बेटी को, बहुत अच्छी दोस्त है इसके स्कूल की। और दोस्त दोस्त इनने तो अपने टीचर को भी दोस्त बना लिया है, जो इसकी मैडम है स्कूल की, वे भी बहुत अच्छी हैं। तो देखो कैसे चलता है, इसमें है हिंडोला घर में, ये लकड़ी का है, और ये बैठे छोटे छोटे गुड्डे, इसमें छाप भी भरती हुई, और ये हिंडोला चलना शुरू हो जाता है। देखो
आज अंशु का मन करा तो अंशु ने निकाल लिया है और इसे चला के देख रहा है। साढ़े आठ बज गए हैं और आ गई हूँ मैं किचन में। किचन में आकर तो पहले तो निकालूंगी घी, ये रखा है घी की हंडिया, तो घी निकाल कर रही अरंडी धोकर रखूंगी बाहर। उसके बाद करूंगी बर्तन साफ, आदमी भी कम और बर्तन भी कम, मैं सारे बर्तन साफ करूंगी और उसके बाद बनाऊंगी खाना। तो खाने में आज बनाऊंगी मैं कोफ्ते, जिसके लिए मैंने लौकी कद्दूकस करके रख दिया है पानी में भिगोकर। ये है टमाटर, तो टमाटर को भी मैंने बारीक कद्दूकस में कोई कर लिया कि लाइट नहीं आएगी अगर जो मैं मिक्सी में कर लूँ। प्याज हरी मिर्च भी काट के रख दिए हैं, तो ये तो मैंने सामान रख दिया है खाना बनाने का। तो चलो पहले शुरुआत करती हूँ घी निकालने से। दोस्तों आज है संडे, तो मैं आज करूँगी घी गरम। यह है मक्खन, तो मक्खन खरीदा कर और इसे धोकर इसका खटास निकाल कर फिर रखूँगी सा गर्म करने के लिए। इसे निकाल के सारे को रखूंगी चूल्हे पर पकने के लिए। दोस्तों मैं बना रही हूँ कोफ्ते, तो कोफ्तों के लिए बेसन छान के रख दिया है। अब निचोड़ कर डालूंगी इसमें लौकी। खाना बनाने की कर दी है तैयारी, तो चढ़ा दी है चूल्हे पर कढ़ाई और कढ़ाई में डालूंगी तेल। कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तब तक तेल गर्म होगा। तेल गरम होगा इतना मैं बनाऊंगी कोफ्तों का आटा। तो बेसन छान के रख दिया है परात में और अब इसमें लौकी भी निचोड़ कर रख दी है। अब डालूंगी इसमें नमक मिर्च हल्दी। तो सबसे पहले डालूंगी मैं नमक स्वाद अनुसार, उसके बाद हल्दी पाउडर, पिसा हुआ धनिया, नमक मिर्च हल्दी धनिया वो डाल दिया है। तो अब इसे अच्छे से करूंगी मैश। अब लौकी को बेसन में अच्छे से मिला लूंगी और बनाकर आटा उतारूंगी कोफ्ते। तो कोफ्ते भी उतारने मैंने कर दिए हैं शुरू। तो गोल गोल कोफ्ते उतारूंगी। कोफ्ते मेरे उतर चुके हैं और अब बनाऊंगी टमाटर का पेस्ट। तो तेल में डाल दिया है जीरा, प्याज, हरी मिर्च, ऐसे अच्छे से करूंगी फ्राई। प्याज हरी मिर्च हो गई है और अब इसमें तो मैंने डाल दिया है नमक, पिसा हुआ धनिया, टमाटर डाल दिए हैं कढ़ाई में मसाले। अब अच्छे से मिलाकर इसे पकाऊंगी। पिसा हुआ धनिया भी डाल दिया है। टमाटर का पेस्ट हो गया तैयार और डालूंगी अब जा कोफ्ते। अब डालूंगी कढ़ाई में पानी। कोफ्ते डाल दिए कढ़ाई में, मसाले में कर दिया है मिक्स, तो डाल दिया है पानी और सब्जी मेरी बन गई है और अब बना रही हूँ रोटी। मेरा खत्म हो चुका है, अब रोटी बनाने जाएगी। मैं रोटी बना के रखूँगी। दोस्तों मम्मी आ ली है, नहा ली है और नहाकर मैं लगा रही हूँ मम्मी के लिए खाना। तो लगा दिया फ्रूट की सलाद, मट्ठा और कोफ्ते रोटी। बनाती कोफ्ते चावल अगर आज एक आदि न होती।
तो आज मेरा किचन का भी सारा काम निपट गया, बस कंप्लीट हो गया और आ गया खाना खाने। रोटी के लिए लगा दिया है खाना, तो आज हमने बनाया कोफ्ते, कोफ्ते रोटी और सलाद में दे रखी मम्मी को फूल मट्ठा। तो मम्मी खा रही है खाना और रितु नहा रही है अभी, लक्की के पापा जी नीचे गए नहाने के लिए, तो काम भी निपट गया, बस खाना खाना। मेरे कपड़े भी सूख गए, अब जो उतार कर रखूँ, कड़ी बहुत कड़ी धूप है, जड़गू जी तो कमी रहा धूप में, पर अभी उतार लूँ ना इनका रंग कलर फैड हो जाएगा। अरे सूख गए, शाम का रूटीन हो गया है शुरू, तो शाम के 6 बज गए हैं और मैं सारू को लगा दिए हैं, झाड़ू कर दिए हैं, बर्तन साफ, और दूध भी जमा के रख दिया है हंडी में, देखिए इसमें दूध जमा दिया है। अब रखूँगी, गर्मी है ज़्यादा अंदर किचन में, तो सुबह रखूँगी हवा में ताकि मट्ठा खट्टा ना हो सके। और यहाँ पे भी सारे को झाड़ू लग गई है, बस अब जा नहा कर, तो पहले तो नहाऊँगी और नहाने के बाद में फिर जाऊँगी दूध निकालने के लिए, 6 बजे दूध निकलता है भैंसों का, तो अब दूध निकालने के लिए जाऊँगी और उसके बाद में बढ़ाऊँगी खाना। ये मम्मी के कपड़े हैं, मैंने ऊपर ही रख दिए कि मम्मी आकर नहाओगी खेत में, तो फिर भी मगर लावगी इतना ए सी रख दूँ, आकर नहा लेगी। और कमरे की भी साफ़ सफाई होगी, अब ठाकुर के कपड़े धोऊंगी, अब जा दिन में नहीं धोती मगर फिर गिर जा, अब जा ठंड ठंड में सूखेंगे। और ठाकुर जी बैठे हैं नीचे, क्योंकि हम दोपहर में नीचे ही सोए हैं सारे, मम्मी घर के पास ही एक कमरे में, और वे भी वहीं बैठे हैं, तब जा दूध निकाल कर लाऊँगी, तब उन्हें भी लेकर आऊँगी। बट भी मौसम सही हो गया, ठंड से होगी सारे कुछ छाए गए नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी रहे यहाँ। आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।